मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के 18 दिन बाद वीरवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों में मनोहर लाल ने हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। इस विस्तार के बाद सीएम मनोहर लाल समेत कैबिनेट में 12 मंत्री हो गए हैं। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सांसद व विधायकों में से कुछ ने अर्थ प्रकाश मुख्य संवाददाता डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा से बात की और अपनी खुशी जाहिर की। देखें मोहन लाल बडोली क्या बोले। तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि आज हरियाणा राजभवन में शपथ का समारोह है। हमारे बीच में राई से एमएलए मोहन लाल बडोली जी हैं। बडोली साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हो आज? क्या आज ये जो नई सरकार का गठन हुआ है, विस्तार हुआ है, ये विस्तार बहुत बढ़िया हुआ है और सभी तरह का आप सबको इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। सभी पूरे हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व बढ़िया चले और ये जो 2019 का वर्ष है, ऐतिहासिक वर्ष है और ये सरकार ऐतिहासिक सरकार रहेगी। बहुत बढ़िया काम करेगी, बहुत बढ़िया निर्णय इस सरकार के द्वारा होंगे। जो जेजेपी गठबंधन है, जेजेपी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, उसके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि इलेक्शन में बिल्कुल डिफरेंस है, आप इकट्ठा हो गए हैं, इसके बारे में क्या होगा? जो इतना डिफरेंस थे विचारों में, कैसे एकदम एक हो गए, इसके बारे में बताइए। वही मैंने बताया आपको कि 2019 का जो वर्ष है, ऐतिहासिक वर्ष है, इसमें नए नए सारे काम होंगे और अच्छे निर्णय लिए जाएंगे और ये गठबंधन भी अच्छा रहेगा। तो इस वक्त आपने देखा होगा जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो उसमें आप फर्स्ट टाइम एमएलए हो आई थिंक, है ना? तो फर्स्ट टाइम जैसे एमएलए हो आप ये क्या आपको लगता है कि आपको पार्टी चेयरमैन वगैरह इस तरह पद दे सकते हैं फ्यूचर के अंदर? पार्टी कुछ भी कर सकती है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है और पार्टी जो जिम्मेवारी देगी वो अच्छे से काम करके दिखाएंगे। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में राई से एमएलए थे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।